हेलो प्रथमेश बेटा, वेलकम है आपका लाइव में। कैसे हो? थैंक यू लाइव में आने के लिए। मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ इसीलिए बात नहीं कर रही, म्यूट किया हुआ है। और घर में सब कैसे हैं? तो प्लीज़ लाइक कर देना प्रथमेश बेटा। तो जो लोग भी ऑन है सभी लोग मैसेज कीजिए। थैंक यू प्रथमेश बेटा। तो मैं म्यूट कर रही हूँ, अभी मैं बिज़ी थी पार्लर में थोड़ा। तो आप मैसेज कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू प्रथमेश बेटा। थैंक यू प्रथमेश बेटा।
थैंक यू मेरा सिस्टर, आप ऑन है तो मैसेज कीजिए। तो काम आज ज़्यादा है तो इसीलिए मैं बात बिल्कुल नहीं कर पा रही, बीच बीच में फ्री होती हूँ तो बात करती हूँ। तो आप ऑन है तो मैसेज कीजिए। नहीं सिस्टर, सोई नहीं। अब मैं ना, आप पता है आपको 2 दिन ज़्यादा काम रहेगा, अभी बिजी हूँ। आईब्रो आ रही है, फेशियल आ रहे हैं, तो उन्हीं में लगी पड़ी हूँ, इसीलिए मैं बोल ही नहीं रही आज। और आप बताइए कैसे हो। खाना पीना हो गया आपका? थैंक यू। बस कल कल का रह गया, परसों तो व्रत है, परसों तो फ्री हो ही जाऊंगी। कल का और आज का ही ज़्यादा है, कल का ज़्यादा रहेगा। और तो पता नहीं सुनीता सिस्टर आई है कि नहीं, मैंने देखा भी नहीं कौन कौन आया। फ़ोन भी एक साइड में रख दिया था मैंने, तो तब आपके ही मैसेज दिख रहे हैं और कोई नहीं आया शायद। जया भी नहीं आई ना? आने वाली होगी जिया सिस्टर भी। पहले सोच रही थी ना ही करूं, फिर मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा 2-4 घंटे, क्योंकि कट गया आज भी 30-40 घंटे कट गया मेरा। वो जो शाम की लाइव की ना मैंने, उससे नहीं करूंगी मैं। 3 टाइम लाइव करो तो ज़्यादा कटता है। राम राम जी। जो कोई भी होना प्लीज़ सभी लोग कमेंट्स कीजिए। बस अभी आके लेटी हूँ, थोड़ा सा कमर में दर्द हो गई तो सुबह से लगी हुई हूँ। कोई ना कोई आ रहा, अभी लड़कियाँ सीखने वाली, मैंने 2 बजे के बाद बुलाया उन्हें कि तुम 2 बजे के बाद आना। हाँ तो अभी एक लेडी आएगी, गांव से आएगी, उसका फ़ोन आ गया था सुबह ही, तो 2 बजे के बाद कह रही मैं खाना वाना बना के आऊँगी। तो लड़कियों को, सीखने वालियों को भी मैंने बुलाया है, उनको बुलाया मैंने 2 बजे के बाद आना। मैं क्या, फिर ना भीड़ हो जाती है शाम को, अकेले मेरे से होता नहीं है, तो इसलिए उनको मैंने बोला कि सुबह मत आना। सुबह भी औरतें अपना काम वाम ख़त्म करके तब आती हैं। और सुनीता सिस्टर आ गई हैं। हेलो सिस्टर, नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? थैंक यू सुनीता सिस्टर। मीरा जी नमस्ते कह रही हैं। आज बिज़ी हूँ मैं सुनीता सिस्टर, आपकी लाइव में भी थोड़ी सी फ्री हुई थी तो मैसेज किए थे, तो उसके बाद जो है फिर कस्टमर आने शुरू हो गए। अभी 2 फेशियल करके हटी हूँ सुबह से, अभी आईब्रो आ रही हैं बहुत सारी। हाथ भी कट गया मेरा, कट लग गया हाथ में धागे का। तो यही 2 दिन होते हैं सीजन के, कल का दिन और होगा, कल का दिन ज़्यादा काम होता है। बल्कि उस दिन भी आती हैं, जिस दिन व्रत होता है उसी दिन भी कई लोग आईब्रो बनवाते हैं आके। तो आप लिख प्लीज़, आप लोग मैसेज कीजिए, जो कोई और भी होना तो सभी लोग कमेंट्स कीजिए। लड़कियां आती है ना सीखने वाली, उनके साथ लगाया उनको, अभी आएंगी आज, उनको 2 बजे के बाद बुलाया मैंने कि 2 बजे के बाद आना। तो आदत है मुझे तो हर साल की, पर लड़कियों को मैं बुलाती हूँ, उनसे भी करवाती हूँ। मेहंदी मैं खुद नहीं लगाती बिल्कुल भी, लड़की से ही लगवाऊंगी। मेहंदी छोड़ दी मैंने लगानी, क्योंकि मेहंदी में टाइम लगता बहुत ज़्यादा और काम भी रुक जाते हैं।
और आप लोगों का खाना पीना हो गया, नाश्ता ही कर लिया था, मुझे भूख भी नहीं लग रही आज, थक तो जाती हूँ। हाँ उनको सिखा दिया मैंने, बस वो प्रैक्टिस पे ही चल रही हैं, प्रैक्टिस तभी तो होगी जब वो करेंगी। हाँ जी आओ इधर। अरे गीता बुआ का फोन आ रहा है इसमें। हेलो, हेलो। हाँ जी नमस्ते दीदी, नमस्ते जी, क्या हाल है? ठीक है? आप कहाँ पे बिजी हो, आए नहीं? बस हाँ, बस शादी थी, एक हफ्ता तो वही निकल गया। अच्छा किसकी शादी थी? बेबी की, छोटी कुड़ी की। अच्छा हाँ, मीका बता तो रही थी मुझे। अच्छा हो गई? हाँ हो गई, कल थी। अच्छा, और आ जाओ, फेशियल वेशियल नहीं कराना? फेशियल मैंने आप शादी में जाना था तो कर ही लिया था। अच्छा बस वो भाभी जी और गई हुई हैं ये मार्केट, उसको छुटकी को भी छोड़ गई हैं हमारे पास, मैं तो बिजी थी, बल्कि मैं अभी फ्री हुई तो अभी मैं थोड़ा सा लेटी आके, तो लड़कियों को भी आज मैंने बल्कि 2 बजे के बाद ही बुलाया, तो वो उसको छोड़ के गई हुई हैं, गौरव का ऑफिस है वो ऊपर ही है, तो फोन हमारा हमारे पास ही छोड़ गई है, ये चला लेती है ना फोन अमाक्षी, तो ऊपर नीचे स्क्रीन करती रहेगी, इसको कार्टून लगा देते हैं तो चलाई जा रही है फोन, अब तंग करने लग गई, अब रोने लग गई। अच्छा तो उसकी नानी भी गई हुई है? नानी भी गई है, उसकी दादी भी गई हुई है, सब गए हुए हैं, ये सदर ही गए होंगे शायद, मुझे लग रहा, फिर नानी रुक जाती पता नहीं उन्होंने भी लेना होगा सूट वूट, तो फिर वो भी चली गई। हाँ मैं तो चलो बड़े दिन हो गए, बात ही नहीं हुई थी किसी से, सोनू से तो बीच में एक बार हुई थी बात मेरी। अच्छा और अच्छा सब ठीक है, बच्चे ठीक है? हाँ जी बच्चे ठीक है, मीका की छुट्टी चल रही है, उसके वो ड्रेचर हो रहे हैं स्कूल में, गेम्स वगैरह, कबीर अभी अच्छा। आया है, नूरी गई हुई है कॉलेज। अच्छा, हाँ। मैं भी कल से बस 2 दिन और, 1 दिन और रह गया बिजी, आज मैंने लड़कियों को भी दोपहर को बुलाया, मैं कह तुम दोपहर में आना, शाम को फिर कई बार ना ज़्यादा आ जाते हैं कस्टमर, अकेले से हो नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, अब हाँ वो ऐसा आती नहीं। थी वो अपना खाली उस टाइम चली जाना उन्होंने, फिर मैंने अब बोला 2 बजे के बाद आना। हाँ क्योंकि आप ना लंच के बाद सब औरतें फ्री होके निकलेंगी ना, अपना जो काम करवाना होगा। हाँ वही है, ऐसे है तो इस बार कम है काम। अच्छा क्योंकि लास्ट का भी है कुछ, यह कि जो मेरे पास आते हैं कस्टमर वो तो मेरे आ ही रहे हैं, अभी 2 फेशियल तो बल्कि मैं सुबह के कर चुकी, वो अभी तक आई नहीं लड़कियाँ, उनको वही कह रही थी 2 बजे तक आ जाना, अब एक का किसी का फोन आया होगा गांव से, वो आएगी तो उसको फिर मैंने कहा 2 बजे के बाद तू अपना खाना वाना बना बनू के तब आई हो, कह रही हाँ अच्छा, वही शाम को ही, बस अब शाम को आएंगी फिर कल दिन में रहेगी थोड़ी सी भीड़, अच्छा बस यही रहेगा। और जिया जी ठीक है? हाँ ठीक है, बढ़िया सो रहे हैं वो। अच्छा तो हो गई शादी, कब हुई? कल दोपहर की थी ना, दिन की शादी थी, तो लता दी नहीं आई थी? ना लता नहीं आई। अच्छा तो कहाँ पर ये, कहाँ हुआ शादी? उसने काफी दिन पहले एक बार फोन कर दिया था सरकारी तौर पे कि ऐसे ऐसे शादी है तू आई हो, अच्छा। लता कह रही फिर तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर दोबारा से फोन भी नहीं आया। नहीं तो शादी हुई कहाँ, लोकल में? यहाँ पे किथे, मोदी नगर।
यही लगा रखी थी ना लाइव, मैंने कहा था लगा दे। थैंक यू मीरा सिस्टर, थैंक यू सुनीता सिस्टर। तो मेरी नंद का फोन था, तो उन्हीं से बात कर रही थी, मैंने देखा ही नहीं, बीच में स्पीकर ऑन था मेरा। अच्छा आप बोल रहे थे, मैंने देखा नहीं, मेरी जेठानी का फ़ोन घर पे ही रह गया था ना, तो उनके फ़ोन पे फ़ोन आया था। नमस्ते, आ जाओ बैठो, क्या करना है, आई ब्रो बैठो, लाइट बड़ी जला दे बेटा, बस आई ब्रो बनानी है और कुछ नहीं कराना। बड़े दिनों के बाद आए हो ना आई ब्रो बनाने भी। मैं तो बस जब याद नहीं देखा तो मैं पता ही तो नहीं, आई ब्रो, आई ब्रो भी तो बनाते हैं, बहुत दिन हो गए। तबीयत ठीक है? हाँ तभी तो सही। पतले पतले लग रहे हो, कमजोर कमजोर लग रहे हो। बता ना दीदी मुझे, कई दिन हो गए अब, मेरे पता नहीं ऐसा हो रहा है, तो थकान सी हो जा रहा है। थायराइड तो नहीं है? जरा सा काम कर लूँ तब ऐसे ऐसे होएगा, मेरे 700 चढ़ा।
ये मेरी जेठानी का नंबर है, उनका नाम भी अन्नू है, मैंने बताया था ना आपको। वो कितनी डर्ट स्किन निकल गई। गोले का तेल लगाओ, साबुन छोड़ दो लगाना। अच्छा साबुन छोड़, हाँ साबुन नहीं लगाना, साबुन तो मना ही करते हैं ना। साबुन साबुन कितने दिन तक नहीं लगानी, लगाओ ही मत ना सर्दियों में, क्यों लगाते हो साबुन? बॉडी पे लगा लो, फेस पे मत लगाओ, कभी कभी लगा लो जब आपको लगे मेरी खुश्की दूर हो गई तो लगा लो। कौन सा लगाते हो साबुन? नारियल के तेल की मसाज करो, गुनगुना नहीं करना ऐसे ही। अच्छा ऐसे लगाओ उसको, लेके ना 5-7 मिनट मसाज करके छोड़ दो, नीचे से भी टाइट पकड़ो। माता जी ठीक है? अब तो नहीं दिखते आंटी, बस इधर उधर में रह गए आपका यूं का बस कितना है ना। हाँ इसका फोन है, ये वाली वैक्स का हीटर लगा दे, बस की प्लग पिघला के ना वैक्स होगी नहीं, वैसे इसमें कमी होगी तो ये वाली वैक्स निकाल दो, एक खाली डिब्बा हो कोई छोटा सा, क्योंकि इसमें ना वो वाला हीटर खराब चल रहा है। ऊपर से नीचे से छोड़ दो, प्लग लगा दे इसको बस अभी, नहीं ऊपर ही रहने दो उसको, इसमें साइड में रख दो ना, इसमें से सारी पलट देना इसमें जब ये पिघल जाए तो। वो कर रही हो ना बेटा 2-3 दिन से, अकेली होती तो फिर ऐसे ही होता फटाफट काम। इसमें डाल ले खाली है, हाँ इसमें निकाल दो, साफ कर लेना फिर मिट्टी ना हो। अंडर आर्म्स के लिए तो ये निकालती हूँ ना, तो अभी निकाल लो। कल से तो बहुत वैक्स ही कर दी मैंने, अभी फिर वैक्स आएगी। अब वो टाइम नहीं ना, वो 2 बजे के बाद कह रही है मैं कभी भी आ जाऊंगी। फेशियल नहीं कराना, क्लीन अप करा लो, 200 रुपये कह रहे ज्यादा कर रहा है, पर आ जाना अभी चाहिए। ड्राइनेस हो रही है ना तो धावा भी चल रहा है, रूसी से निकल निकल गई। ये तो नहीं है ना अपर लिप्स, मैं नहीं बनवाती, नहीं सही है वो, रख दी हमने फिर ये बनवाने की बात रह जाती। नहीं वो तो है, बनवाना तो पड़ता ही है, जैसे आईब्रो बनाते हैं ऐसे वो बनवा लो, जैसे आईब्रो बनती है हर महीने में भी बनता है, बाल जहाँ से निकलेंगे वहाँ आएंगे तो भाई। नहीं चेहरा भी बड़ा छोटा सा होगा। आप आए थे जब तैयार हुए थे, उसके बाद कहाँ आई, मम्मी नहीं आई ना उसके बाद, नहीं आई ना तो ठंड में फ्रॉके पहनने लग गई है। आप तो जीन्स वींस खाओ, तो मौसम ठंडा हो गया, मच्छर बहुत है, तो पेंट वेंटी पहनो। लगा लो
वैक्स के अगर बाजू के करानी है खाली तो 100 रुपए है दोनों के। हाँ, और ये अंडर आर्म्स भी कराने हैं तो 150। मेरी एक आंख लाल हो रही है ना काम कर करके, मैं जब नजर लगाती हूँ ना तो मेरी फिर एक आंख लाल हो जाती, नींद पूरी नहीं हो रही ना। नजर जब नजर ज्यादा लगती है ना, जब काम ज्यादा होता है तो अब आईब्रो में इतनी नजर लग रही है, वैक्स भी देख देख के करनी पड़ती है कि वैक्स में बाल ना छूट जाए, तो ज्यादा नजर लगती है या थकावट मान लो तो मेरी ये आंख लाल हो जाती है। यही वाली आंख होती है, तुमने नोट की होगी, यही आंख लाल होती है। सोफिया तो स्कूल से आएगी, खाना वाना खा के तब आएगी, उसे मेहंदी का पूछने, मेहंदी के लिए पूछ रहे हैं, वो रात को रुक जाएगी मेहंदी लगाने के लिए। हाँ, नहीं तो गुनगुन को बुलाना पड़ेगा, गुनगुन तो आई नहीं थी ना, पूछा भी नहीं उसने आंटी मैं आऊँ ना आऊँ, क्योंकि मेहंदी लगाती है ना वो भी, मेरे कलर भी लगाना वाइट हो रहा है। हाँ ये आई हुई है ना कल से, वो करवा चौथ पे आ जाते हैं ना इधर ही, जो फंक्शन ये मासी कर रही आपकी बेटी और वो पापा पापा वो बोलना सीख रही है ना अभी। तो सभी लोग मैसेज कीजिए जो लोग हो रहे हैं,
थैंक यू सुनीता सिस्टर, तो आप ऑन करके सो जाओ। फोन को ऑन करके सो जाओ आप। तो जो कोई भी होना मैसेज करते रहिए सभी। तीन दो को कर लेना, मैं बता भी दूंगी अच्छे से, कर लेना अच्छे तरीके से। वो हेयर्स परमानेंट नहीं होती है, वो होती है स्मूथनिंग। उसके तो किट ले आ, तुम मैं क्या पैसे लूंगी तुमसे, आपस में कर लेना, तो मैं सिखा भी दूंगी। किट ले आ अपनी, मैं ही करूंगी, मैं ही बताऊंगी। किट ले आइयो, तो बीच बीच में मैसेज करते रहो आप, कोई बात नहीं, ऑन रखो। इससे मित्तू से पूछ लियो एक बार, अमित सहनी लॉरियल की स्मूथनिंग की किट, लॉरियल की
तो ये अन्नू बहन, मेरी से जेठानी का नाम है ये अन्नू बहन, वो वाली अन्नू नहीं है। तो उनका फ़ोन हमारे पास है, तो उनके फ़ोन से मैं खुद ही मैसेज कर रही हूँ। मेरी जेठानी का नाम भी अन्नू है, शर्मा लिखा हुआ ना, आप देखो अन्नू शर्मा। शहरी को चैन